नामीबिया से विशेष प्रोजेक्ट के तहत भारत लाए जा रहे चीतों का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो समाचार एजेंसी NI द्वारा जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इनमें से हर चीते के गले में सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा ताकि कूनो अभयारण्य में इन चीतों में लोकेशन ट्रैक की जा सके। इस काम के लिए बकायदा कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे तो इन चीतों के पल पल की मूवमेंट पर नजर बनाए रख सकेंगे। बता दें कि इन चीतों को भारत ला रहे विशेष विमान के रूट में बदलाव किया गया है। अब इस विमान के राजस्थान की राजधानी जयपुर के बजाय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उतारा जाएगा। प्रोजेक्ट में चीता प्रमुख SP यादव ने कहा, नामीबिया में आने वाले चीतों को एक विशेष चार्टर कार्गो फ्लाइट पर ग्वालियर में उतरेगी। पहले इस 17 सितंबर को जयपुर में उतरना था, फिर ग्वालियर में से एक हेलीकॉप्टर के कुत्तो नेशनल पार्क शिवपुर लगाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री द्वारा जंगली चीतों के रहवास, भारत में वन जीवन और इसके आवास के पुनर्जीवित करने और विविधता लाने में उनके प्रयासों का हिस्सा है। चीतों को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जिन चीतों को छोड़ा जाएगा वो नामीबिया के हैं और उन्हें इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत लाया गया है। चीता भारत में खुले जंगल और घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में मदद करेगा। यह जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा और जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी के नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर समाज का लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुत्तो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा। यह 3 नर और 5 मादा चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं। नामीबिया के हुशिया पोटोको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन्हें लाने के लिए बोइंग 747 विशेष विमान पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक 16 घंटे के सुपर कर बिना रुके यह चीते नामीबिया से भारत लाए जाएंगे। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जंगली बिल्लियों को अपनी पूरी हवाई पारगमन अवधि खाली पेट बितानी होगी। MP के प्रधान मुख्य वन संरक्षण JS चौहान ने PTI भाषण में बताया कि एहतियात के तौर पर यह अनिवार्य है कि यात्रा शुरू करते समय जानवर को खाली पेट खाना चाहिए। उन्हें कहा कि नामीबिया से राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के दौरान चीतों को कोई भोजन नहीं दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि इस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि लंबी यात्रा जानवरों में मतली जैसी भावना पैदा कर सकती है, जिससे अन्य जटिलताएं हो सकती है। चौहान ने कहा कि चीतों के मालवाहक विमान से हेलीकॉप्टर में स्थानांतरित करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1 घंटे की यात्रा के बाद वे कूनो पालपुर के हेलीपैड पर पहुंचेंगे।